उसे बचा लीजिए साहब। अगर उसे फांसी हो गई तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा साहब। इसका मतलब है कि तुमने भंडारी के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। हाँ, मैंने झूठी गवाही दी थी, मैंने झूठ बोला था साहब। झूठ बोला था दबाव में आकर? जी। किसके कहने पर? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब, कुछ दिन पहले मैं वासवानी साहब के घर में नौकरी करता था। वो लोग मेरी बड़ी अच्छी देखभाल करते थे, मुझे अच्छी तनख्वाह देते थे साहब। मगर साहब, मुझमें एक बहुत बुरी आदत है शराब पीने की। जो तनख्वाह देते थे, मैं आधी तनख्वाह शराब में उड़ा देता था साहब। और साहब, जिस दिन वासवानी साहब का खून हुआ, उस रात पार्टी खत्म होने के बाद लोगों की बची कुची शराब पी के मैं उनके ऑफिस में जाके सो गया रोज की तरह। और सुबह जब उठा तो साहब, मैंने देखा मेरे बिस्तर के किनारे में 50,000 रुपए थे साहब। वो रुपए वहां किसने रखे थे? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो नशे की हालत में बिस्तर में सो गया था साहब। फिर क्या हुआ? अभी मैं सोच ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया, फोन करने वाले ने मेरा ही नाम लेकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें रुपए मिल गए? मैंने कहा हाँ, मगर माजरा क्या है? बोलता है, ये रुपए तुम्हारे लिए हैं, यानी कि मेरे लिए। मगर मैंने कहा मुझे करना क्या है? बोला, हवालात में जाकर उन दो वेटरों को पहचानना जो रात को पार्टी में सर्व कर रहे थे। उनमें से एक को पकड़ के ये बयान देना है कि उसने रात को वासवानी साहब का खून कर दिया और गोली चलाते वक्त मैंने देखा। नहीं साहब, तभी जाकर मुझे मालूम पड़ा कि वासवानी साहब का खून हो गया। उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था साहब। फोन किसका था? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम। यानी कि उसकी आवाज तुमने पहले कभी नहीं सुनी? पहले कभी नहीं सुनी और उसके बाद भी नहीं सुनी साहब। फिर तुमने भंडारी को पहचान लिया और बड़ी बयान दे दिया? जी साहब। सरजू, ये बताओ, अगर तुम्हारे सेठ का कत्ल भंडारी ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मेरा मतलब है, तुम्हें शक किस पर है? शक? मुझे यकीन है साहब, मुकंदी लाल ने ही साहब का खून किया है। ये मुकंदी लाल कौन है? ये मेम साहब का मुंहचढ़ा ड्राइवर है साहब, 24 घंटे मेम साहब के साथ चिपका रहता है। एक दिन तो मेम साहब के लिए साहब को मारने के लिए तैयार हो गया था, वो तो मैं था बीच में आ गया। वो तो पागल खाने में भी रह चुका है साहब। ओहो सरजू, तुम तो हमें पागल कर दोगे, केस को उलझाए जा रहे हो। नहीं साहब, वो खुद कहता था कि वो पागल खाने में रह चुका है। अरे किस सिलसिले में रह चुका है पागल खाने में? साहब, वो कहता था कि मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई आदमी किसी औरत पर हाथ उठाए ये उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन किसी बात पर उसके भाई ने उसकी बीवी को मारा, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने भाई की जम के पिटाई की, जम के धुलाई की और केस पुलिस स्टेशन तक चले गया। और पुलिस वालों ने उसकी दिमागी हालत पर शक किया और उसे पागलखाने भेज दिया, जहां से वो ठीक होकर आ गया साहब। लेकिन इस मामले से तुम्हारे सेठ के कत्ल का क्या ताल्लुक है? साहब और मेम साहब में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। एक दिन साहब ने गुस्से में आकर मेम साहब को थप्पड़ मार दिया और उस वक्त मुकंदीलाल वहां मौजूद था। मुकंदीलाल साहब को मारने के लिए आगे बढ़ा, वो तो मैं था बीच में, मैंने उसे रोक लिया। साहब तो उस वक्त चले गए, लेकिन मुकंदीलाल ने मेम साहब को कहा, अगर साहब ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं साहब को जान से मार डालूंगा। ये मैंने अपने कानों से सुना साहब। दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? अब क्या बताऊं साहब, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते रहते थे। साहब को मेम साहब के चाल चलन पर शक था। तो ठीक है सरजू, हम कोशिश करेंगे कि इस केस को दोबारा खोला जा सके। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपने बयान पर कायम रहना पड़ेगा, वरना तुम्हें सजा भी मिल सकती है। साहब, एक झूठ की सजा तो मैं भुगत रहा हूं, दोबारा ऐसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन साहब, भंडारी बिल्कुल बेकसूर है, उसे बचा लीजिए साहब, उसे बचा लीजिए। चले। साहब। हाँ विजय, तो क्या लगता है तुम्हें, ये केस रीओपन हो सकता है? सर, ये केस तो रीओपन हो सकता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जिस आदमी ने कल झूठ बोला था वो आज सच बोलेगा? तुम एक बात भूल रहे हो विजय, उस वक्त उसके पास झूठ बोलने की एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह, 50,000 रुपए का लालच। लेकिन आज झूठ बोलने की उसके पास कोई वजह नहीं है, अगर कोई वजह है तो वो है उसका जमीर, गिल्टी कॉन्शियस है। तो बहरहाल वो एक झूठा आदमी। मान लिया, फिर तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि ये केस रीओपन होना ही चाहिए, क्योंकि एक झूठे आदमी की गवाही पर एक बेगुनाह को फांसी हो रही है। तो क्या यह हमारा फर्ज नहीं बन जाता कि एक बेगुनाह को बचाया जाए? और अगर उसे फांसी हो गई
तो ये इंसाफ नहीं, सरासर इंसाफ का खून होगा। सर, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। हमें फौरन अदालत को अप्रोच करना चाहिए। आइए सर। यह है सरजू का हलफनामा। सर, उसने इकरार किया है कि वासवानी मर्डर केस में उसने मुलजिम भंडारी के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। सर, इस हलफनामे के बिना पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उसकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए और केस को दोबारा रीओपन करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुलजिम भंडारी की सजाए मौत को हाईकोर्ट कंफर्म कर चुका है और अब उसे रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता है? सर, वासवानी मर्डर केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजीत सिंह जी यहां मौजूद हैं और अब इन्हीं की मौजूदगी में सरजू ने यह कबूल किया है कि उसने मुलजिम भंडारी के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। और ऐसे हालात में सर, ऐसे हालात में अगर मुलजिम भंडारी को फांसी की सजा दे दी गई तो यह इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का खून होगा। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर विजय सक्सेना को ना जाने डाकुओं, कातिलों और अंडरवर्ल्ड वालों से इतनी हमदर्दी क्यों? इन्होंने तो सरजू प्रसाद से यह भी नहीं पूछा कि उसने झूठी गवाही क्यों दी। सर, सर यह बात भी इस हलफनामे में मौजूद है कि उसे झूठी गवाही देने के लिए 50,000 रुपए दिए गए थे। मिस्टर सक्सेना, इस काम के लिए आपको कितनी रकम दी गई थी? मिस्टर इंद्रजीत सिंह, नो पर्सनल रिमार्क्स। सॉरी सर। सर, अगर उस वक्त उसे 50,000 रुपए दिए गए थे तो अब 1,00,000 भी दिया जा सकता है। सर, मुलजिम भंडारी केटरिंग कंपनी में एक मामूली मुलाजिम था। 1,00,000 रुपए ना तो उसके पास था और ना ही उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास था जो वो खर्च कर सकता। मिस्टर विजय सक्सेना, ऐसी रकम देने वाले तो कहीं ना कहीं से अचानक निकल ही पड़ते हैं और इस बात को आपसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है? मिस्टर इंद्रजीत, योर ऑनर, अगर हमारे देश में केसेस का फैसला होने के बाद केसेस इसी तरह खुलते रहे तो हमारा जुडिशियल सिस्टम दुनिया भर में बदनाम हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी सर, सर सारी दुनिया जानती है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना साफ और ट्रांसपेरेंट है। अगर एक झूठी गवाही से किसी बेगुनाह को फांसी की सजा हो गई ना सर, तो हमारा जुडिशियल सिस्टम सारी दुनिया की नुक्ताचीनी का निशाना बन जाएगी। लेकिन इस स्टेज पर अदालत फांसी के लिए सिर्फ इंटरिम स्टे दे सकती है, वो भी शर्त पर कि केस 15 दिनों के अंदर ही शुरू कर दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह केस 15 दिनों में शुरू हो जाएगा। विजय बेटा जी, यह कामयाबी की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा कामयाबी ही मिले। आई अप्रिशिएट साहब, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी अजीत साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। थैंक यू। इसलिए यह कहने की गुसाखी कर रहा हूं कि आपका जिंदगी का पिछला रिकॉर्ड बहुत क्लीन है, लेकिन जिस आदमी का सहारा लेकर आप एक बेगुनाह को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हैं वो आदमी खुद एक गुनहगार और एक रिश्वतखोर इंसान। इंद्रजीत साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन अफसोस कि कानून के इतने लंबे सफर में आप इतना भी नहीं सीख सके कि कानून की बुनियाद सिर्फ इस बात पर होती है कि हर इंसान बेगुनाह होता है जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता। इन अदर वर्ड्स इंद्रजीत साहब, अ मैन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और आप मेरा गुनाह साबित किया बगैर मुझे। मिस्टर विजय सक्सेना, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि तुम एक गुनहगार और एक रिश्वतखोर इंसान हो, और ये जो शराफत का नकाब तुम अपने चेहरे पर पहनकर घूम रहे हो ना, मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं ये नकाब तुम्हारे चेहरे से उतार कर फेंक दूंगा। अंडरस्टैंड मिस्टर इंद्रजीत? सॉरी सर। विजय, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की तलाश थी ना तुम्हें? अरे हाँ रश्मि, जानती हो इसे ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गया था। तुमने सच मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। जिंदगी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती जो आसान ना हो सके। जानती हो रश्मि, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं ये जिंदगी की जंग
हार गया होता। अगर तुम उन लोगों में से होते जो अपनी हार मान लिया करते हैं तो फिर मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करती? तो क्या मैं ये मान लूं कि जिंदगी की नई राह में तुम आगे भी मेरा साथ दोगी? मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें ही अपना हम सफर चुना है। तुम जिस राह पर भी चलोगे हर कदम पे तुम मुझे अपने हमराह पाओगे। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में चल गए। हेलो, विजय सक्सेना। जी हाँ, विजय सक्सेना बोल रहा हूँ। वकील साहब, हमने आपसे कहा था ना हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। सुना है आपने केस रीओपन कर दिया? हाँ, मैं केस को रीओपन कर रहा हूँ जेके। और एक बात कान खोल कर सुन ले, डर शब्द मैंने अपनी जिंदगी से निकाल कर पार फेंक दिया है। तुझसे जो बन सकता है कर ले। अच्छा, तो फिर जिंदगी शब्द भी अपनी जिंदगी से निकाल दो विजय सक्सेना। बट आई लाइक योर स्टाइल। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने अपने केस की इन्वेस्टिगेशन मुकंदी लाल से क्यों शुरू की। रश्मि, सरजू ने मुझे कहा था कि मुकंदी लाल ही ऐसा शख्स है जो वासवानी का खून कर सकता है, तो मैंने सोचा इससे मिलके कोई ऐसा क्लू मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, ये मुकंदी लाल यहाँ नहीं रहते? आगे सर, राइट। थैंक यू। आया भाई आया। कौन है आप लोग? मैं वकील विजय सक्सेना हूँ और ये मेरी असिस्टेंट है। जी, आपको किससे मिलना है? आप मुकंदी लाल है ना? जी। आप इससे मिलना है? मुझसे? जी आपसे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। बैठिए जी। कहिए मुकंदी लाल जी। हम तुमसे सुखराम वासवानी के कत्ल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ओ, वो तो बहुत पुरानी बात है और वो केस भी बंद हो चुका है। उसी केस को हम दोबारा खोलने जा रहे हैं। मगर क्यों? उसमें तो मुजरिम को फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है। हमें शक है कि भंडारी ने यह खून नहीं किया और कातिल कोई और है। जी, अब देखिए वो मुझे क्या मालूम है। अब देखिए ना, वो कत्ल वाली रात तो मैं वहां था भी नहीं। देखो मुकंदीलाल, हमें तुमसे सिर्फ ये मालूम करना है कि सुखराम और उसकी बीवी के बीच कुछ ज्यादा झगड़ा रहता था। अब मेम साहब, अब देखिए ना, मैं तो एक ड्राइवर हूँ और मेरा काम है साहब और मेम साहब को लाना और ले जाना। अब घर में वो लोग क्या करते हैं ये मुझे क्या मालूम। झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हें सब मालूम है। तुम कैसे बात कर रही हो रश्मि? क्या तुम्हें बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं? आइंदा कभी बदतमीजी की तो थप्पड़ मार दूंगा। ए साहब, मेरे सामने, वो भी मेरे घर में, कोई किसी औरत से इस तरह से बात नहीं कर सकता। तो ये बात सच है मुकंदीलाल कि तुम्हारे सामने अगर किसी औरत पर जुल्म किया जाए तो तुम उस बात को सह नहीं पाते। और इस सिलसिले में तुम पागलखाने भी जा चुके हो। आपको कैसे मालूम? वो छोड़ो, तुम सिर्फ ये बताओ ये सच है या नहीं। हाँ, ये सच है। मैं ये देख नहीं सकता कि कोई मर्द किसी औरत पर हाथ उठाए। और एक बार जब सुखराम ने अपनी बीवी पर तुम्हारी मौजूदगी में हाथ उठाया तो तुम अपने आपे से बाहर हो गए थे। और तुमने वर्षा से कहा था कि आइंदा तुम्हारा सेठ वासवानी अपनी बीवी पर हाथ उठाएगा तो तुम उसे खत्म कर दोगे। लेकिन साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। आप लोग मुझसे कसम ले लो साहब, मैंने गुस्से में जरूर कुछ कह दिया होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। साहब, मैं तो उस रात वहां था भी नहीं। ठीक है मुकद्दीला, लेकिन ये बताओ कि तुम वर्षा मेम साहब के बारे में और क्या जानते हो? जी मैं कुछ भी नहीं जानता साहब। गरीब आदमी हूँ मेम साहब, नौकरी करके अपना पेट पालता हूँ। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए साहब। कोई बात नहीं मुकद्दीला, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की
तो तुम फंस जाओगे। नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम फिर आएंगे। चलो रश्मि। मेम साहब। आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? जी। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एडवोकेट विजय सक्सेना हूँ और ये मेरी साथी हैं रश्मि। हेलो, बैठिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दरअसल हम आपके पति मिस्टर सुखराम वासवानी के मर्डर के सिलसिले में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इतने अरसे के बाद? मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही पुराना केस है मिसेस वासवानी, और इसका फैसला भी हो चुका है, लेकिन कुछ नई बातें सामने आने की वजह से हम इस केस को फिर से रिओपन करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, मेरी समझ में नहीं आता, इतने अरसे के बाद आप इस केस को रिओपन करके मेरे जख्मों को क्यों खुरेदना चाहते हैं? आई एम सॉरी मिसेस वासवानी, मुझे खबर है कि जब भी पुराने जख्म खुरेदे जाएं, उनमें से टीस जरूर उठती है, और हमें अफसोस है कि हमें यह सब्जेक्ट छेड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम सिर्फ एक बार आपकी जबानी सुनना चाहते हैं कि मिस्टर वासवानी का मर्डर कैसे हुआ था। एंड आई एम श्योर मिसेस वासवानी, आपको अब भी एक एक बात अच्छी तरह याद होगी। वो रात मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। उस रात हमारे घर में पार्टी थी, मैरिज एनिवर्सरी की खुशी में हमने चंद करीबी दोस्तों को बुलाया था। पार्टी आधी रात तक चलती रही, जब सारे मेहमान रुखसत हो गए तो हम दोनों भी ऊपर आ गए। कपड़े बदल कर हम लेटने ही वाले थे कि अचानक नीचे से खटके की आवाज़ आई। हम दोनों घबरा कर उठ बैठे, मेरे हस्बैंड ने टॉर्च ली और मैंने अलमारी खोलकर रिवॉल्वर निकाल ली। लेकिन क्या आपको याद है कि उस वक्त क्या बजा होगा? पार्टी खत्म होने के बाद जब हम सोने के लिए गए थे तो यही कोई रात के 1:30 बजे थे। 15-20 मिनट में पूरा वाकया हो गया। यानी कि रात के 1:45 बजे के करीब मिस्टर वासवानी पर फायरिंग हुई थी। जी। एक बात और बताइए मिसेस वासवानी, क्या आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशगवार थी या नहीं? जी हाँ, हम दोनों में बहुत प्यार था, हमें किसी चीज की कमी नहीं थी, भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास था। मुझे याद नहीं आता कि हमारे बीच कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो जो याद रखने के लायक हो। मिसेस वासवानी, उस रात जो कुछ हुआ, कोई बात ऐसी तो नहीं जो आपने मुझे नहीं बताई हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, हम चलते हैं। चले रश्मि, थैंक यू अगेन। सलाम साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं बोलने आया था कि ये गाड़ी बिल्कुल तैयार है, ये तैयार है गाड़ी, ये मेम साहब ये मुकद्दीलाल और यहाँ साहेब, आपको यहाँ से कुछ पता नहीं चल सकेगा। कौन हो तुम? मैं यहाँ की सबसे पुरानी नौकरानी हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? इस वक्त मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आज शाम 6 बजे मुझे पार्क में मिलिए। आप आ गए? आपने 6 बजे आने के लिए कहा था, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ
कि मेम साहब या उस घर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस घर के सभी लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? साहब के खून के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि खून किसने किया है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे शक है कि इसमें कहीं ना कहीं ब्रजेश का हाथ जरूर है। विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मिसेज वासवानी सच बोल रही थी? नहीं रश्मि, मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हूं, लेकिन जाहिर है कि उसने वही बयान दोहराया है जो परसों पहले उसने अदालत में दिया था। और तुमने एक बात नोटिस की कि केस रिओपन की बात सुनने के बाद वो बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। इसलिए मैं उसे शक के दायरे में रखने पर मजबूर हूं। और वो नौकरानी? मेरे ख्याल में वो मिसेज वासवानी के रवैये से खुश नहीं मालूम होती। उसी ये गम है कि उसके मालिक का केस हशप कर दिया गया है। रश्मि, वफादार नौकर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो अपना गम भी नहीं बुला पाते। विजय, ये मिस्ट्री तो कुछ ज्यादा ही गहरी होती जा रही है। हाँ रश्मि, मेरे ख्याल में नौकरानी के बयान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और यूं भी चूंकि ये केस बहुत पुराना है और एक तरह से लोग इसे भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए मामूली से मामूली क्लू को भी बहुत गहराई से देखना होगा। और उस नौकरानी के बयान के मुताबिक ब्रजेश इस केस का एक बहुत ही अहम कैरेक्टर है। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? विजय, ये भी कोई पूछने की बात है? कहो, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपोलो क्लब जाना होगा। विजय, लेकिन वो तो बहुत... रश्मि, मैं जानता हूं कि वो अच्छी जगह नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रजेश एक रंगीन आदमी है और वो तुम्हें वही मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपोलो क्लब जाओ, ब्रजेश से मिलो और सारी डिटेल्स लाकर मुझे दो। ब्रजेश कुमार। मेरी भी चाल और ये एक मेरी भी चाल और एक मेरी भी चाल बस या और नहीं खेलेंगे। मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। ले आइए। टेबल नंबर 5 बिस्किट लेके चलो। एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। देखिए सर, आपकी बहन ने सख्त ऑर्डर किया हुआ है कि आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाए। देखिए, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। नहीं सर, इस तरीके से हमारा पैसा डूब जाएगा। Damn it! मैं अभी उससे बात करता हूँ। Get me a whiskey on the rocks. सर, पेमेंट हो चुकी है। किसने किया? वो सामने वाले मैडम ने। शायरी की जुबान में शराब पेश करने वाले को साकी कहते हैं। क्या मैं अपने हसीन साकी का नाम जान सकता हूँ? शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, ब्रजेश कुमार। ओहो, तो आपको लिटरेचर में भी दिलचस्पी है। भाई वाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या मैं बैठ सकता हूँ? जरूर। आजकल के लोग अनपढ़ और जाहिल होते हैं, लिटरेचर से कोई वास्ता ही नहीं रखता। लेकिन प्यासे की प्यास बुझाने का कुछ सबब तो जरूर होगा। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और मेरा सब्जेक्ट है क्राइम। इस शहर में पिछले 10 से होने वाले मर्डर केसेस की मैं हिस्ट्री लिख रही हूँ। देखिए देवी जी, अभी तक मैं कत्ल तो नहीं हुआ, लेकिन ये दिल कहता है किसी न किसी हसीना की नजर एक दिन ये काम कर जाएगी। ब्रजेश साहब, इससे पहले कि आप किसी हसीना की नजरों से कत्ल हो जाएं, मैं आपके जीजा जी मिस्टर सुखराम वासवानी के मर्डर केस के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं? बस इतना कि घर में दो चोर घुस आए थे
मेरे जीजा जी और सिस्टर की आंख खुल गई। उन्होंने चोरों को पकड़ना चाहा। उनमें से एक ने जीजा जी की पिस्तौल छीनकर उन पर दाग दी और दूसरे ने मेरी बहन को जख्मी करके भागना चाहा। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने एक को तो मार दिया और दूसरे को पकड़ लिया। उसे अब फांसी की सजा होने वाली या हो गई होगी। बस इसके सिवा और कुछ नहीं? जी नहीं। तो क्या उस रात घर में कोई पार्टी थी? जी हाँ, पार्टी थी। और आप वहाँ मौजूद थे? जी। आखिर तक? जी नहीं, पार्टी खत्म होने से पहले मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ। मैंने रुकना मुनासिब नहीं समझा, मैं चला। क्योंकि मेरे जीजा जी मुझे पसंद नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, क्या मर्डर चोर ने किया था? जी हाँ, वरना उसे फांसी क्यों होती? आ, 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 उसे फांसी अभी हुई नहीं है। तो हो जाएगी। मगर मैंने तो सुना है कि केस रीओपन हो रहा है। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्या कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा? ओके ब्रिजेश साहब, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं सच्ची बातों का बुरा नहीं मानती। वाह, क्या बात है। एक बात और कहूं? वो भी कह डालो। देखिए, इतनी बातें बता देने के बाद तो मुझे यह हक हासिल हो जाता है कि मैं आपका नाम जान सकूं। मुझे रश्मि कहते हैं। वाह, क्या नाम है। फिर मुलाकात होगी? जरूर होगी। सोचा हालचाल पूछ लूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ब्रजेश अगर तुम्हारा अगला सवाल पैसे की डिमांड को लेकर है तो सुन लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। जी जी, पैसों की बात कौन करता है। वैसे भी भाई बहन का रिश्ता पैसों का मोहताज थोड़े ही होता है। सुना है पहले भी तो पड़ी थी ना, तुम बिल्कुल नहीं जाना। भाई अपनी बहन के लिए जान तक दे सकता। वैसे आजकल हाथ जरा तंग चल रहा है, बहुत याद आ रही है तुम्हें। कल आऊंगा तुमसे। जब इंसान तीसरी गलती करे ना तो उसे माफ करना चाहिए और ना ही उस इंसान को किसी किस्म की गलती होनी चाहिए। अब तुम जो तीसरी गलती कर रहे हो, इसकी हालातों में जो भी सजा देंगे वो तुम डिजर्व करोगे। तीसरी गलती क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। देखो, तुमने पहली गलती ये की कि तुमने विजय जैसे गलत आदमी को फंसा दिया। क्या बात, तुम्हें यह मालूम नहीं था कि वो गलत आदमी था। दूसरी गलती तुमने ये की कि तुमने अपनी बेटी को उसके साथ शादी की मंजूरी दे दी। खैर, इस बात को भी नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि आजकल की औलाद शादी ब्याह के मामले में अपनी मर्जी की मालिक खुद। लेकिन अब देखिए ना, अब क्या गलती की है? वो ये कि तुमने एक वाहियात केस पर अपनी बेटी को विजय के साथ काम करने की इजाजत दी। मैं क्या करूं, तो पागल हो गई। उसकी नजरों में विजय किसी देवता से कम नहीं। देवता नहीं, गुनाहों का देवता। जानते हो तुम्हारी बेटी को उसने कहां भेजा? नहीं, मुझे नहीं मालूम कहां भेजा है उसे। अपोलो क्लब,
जो भी शहर का सबसे बदनाम क्लब है। क्लब का तो सिर्फ नाम है, बेसिकली वो शराब, जुआ और अयाशी का सबसे बड़ा अड्डा है। शरीफ आदमी तो वहां जाने से भी कतराते हैं। अगर तुम्हारी बेटी को किसी ने वहां देख लिया परेशान क्यों कर रहे हैं? कौन लोग? यही जो कल आपके पास आए थे, वो मेरे कमरे में भी आए थे और मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे। वो क्या तुम्हारे पास भी आए थे? क्या पूछ रहे थे वो लोग? यही कि आपके और साहब के बीच में झगड़ा हो रहा है। तुमने क्या कहा? मैंने तो मेम साहब साफ इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं उनको कहां से मालूम पड़ गया है कि मैं कुछ दिन पागलखाने में था। और जब एक बार आपके और साहब के बीच में झगड़ा हुआ था तो मेरा भी खोपड़ी फिर गया था। ठीक है तुम गाड़ी चलाओ। अच्छा मैं सर। दिलचस्पी हो सकती है? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है जी के। ऐसी भी क्या बात है? जी के, तुम उस वकील को नहीं जानते, वो बहुत चालाक है। आज सुबह भी आया था, बहुत से सवाल जवाब कर रहा था। मैं बहुत डर गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या बात है, उसे शहर में रहना है या नहीं? मगर जी के, सुनो, घबराओ आज नहीं तो कल वो जान जाएगा। अगर उसे शहर में रहना है तो वो जेके से बैर नहीं रख सकता। डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं जानती हूँ जेके, लेकिन अगर बात खुल गई तो? अच्छा, मेरा वादा है कुछ नहीं होगा, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ो। पहले भी तो मैंने ही सब कुछ संभाला था ना। जानती हूँ मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें हैं और निकल गई, लेकिन मोहब्बत मैंने सब तुमसे की है और इस मोहब्बत को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी आएगा मैं उसे बात कर दूंगा। खतरनाक स्मगलर और गैंगस्टर, लेकिन मिसेस वासवानी का उसे क्या कंसर्न है?
सच में वर्षा वासवानी जेके आगे जहां तक जेके का सवाल है, मैं उसके बारे में ये जान चुका हूं कि वो अपने कहीं अकेला रहता है। अब इसके बावजूद इन दोनों के रिलेशनशिप में और क्या नजर है? इससे तो साफ जाहिर होता है कि सुखराम वासवानी के मर्डर में जेके और मिसेस वासवानी का हाथ जरूर है, और अगर ऐसा है तो मिसेस वासवानी का भाई ब्रजेश इस रात से वाकिफ जरूर है। क्यों? इसलिए कि मेरे सामने तो उसने वही बातें दोहराई जो दूसरे ने कही थी, लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगी तब मैंने उसे किसी को फोन करते हुए देखा, और मुझे पूरा शक है कि या तो उसने मिसेस वासवानी को फोन किया होगा या फिर जेके को। क्या तुम्हारे डैडी इसी शहर में? जी हाँ, उनका छोटा मोटा कारोबार इसी शहर में, और वो सिविल लाइन में रहते हैं। मैं बहुत छोटा था तो मेरी मम्मी और डैडी का डाइवोर्स हुआ। तुम अपनी मम्मी के साथ रहते हो या अपने डैडी के साथ? मम्मी के साथ, मैं जब शहर में रहता हूँ तो डैडी से मिलने जाया करता हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छी और बड़ी सेंसिटिव है। हम तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल कम करना चाहते हैं, हमको अपनी ड्यूटी करना है, और सच पूछो तो हमारी तुम्हारी मम्मी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो पता है जिस रात मिस्टर वासवानी का कत्ल हुआ उस रात तुम कहां थी? क्या मेरी मम्मी को कुछ इश्क पड़ गया तो 10 बजने से पहले सो गया था, उस रात मैं 10 बजने से पहले सो गया। ठीक है, तुम एक संस्कार बच्चे हो, और मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुमसे ये चाहूंगा कि आगे तुम मेरे साथ करो। अग्निकुंड के फेरों में तपा हुआ रिश्ता इतना नाजुक नहीं होता कि जरा सी गर्मी से पिघल जाए, और राकेश उसे रिश्ते की यादगार है। भूल जाऊं ये भी भूल जाऊं कि अपने माँ बाप से बगावत करके मैंने तुमसे शादी की? ये भी भूल जाऊं जब तुम मुझसे कहा करती थी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो जहर खाकर जान दे दोगे? उस वक्त मेरी उम्र ही क्या, मैं छोटी थी, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं थी मुझे। जब बड़ी हुई तो सबसे पहले ये बात याद कि पति वही अच्छा होता है जो करोड़पति हो, तो चाहे बुढ़ा वासवानी क्यों ना हो। मैं समझता था कि वासवानी की मौत के बाद तुम्हारी दौलत की आवाज पूरी हो गई, पहली बात लालची हूँ, तीसरी बात विदो हूँ, और अब तुम्हें प्रोस्टिट्यूट बन चुकी हो। तुमने इतनी भूल क्यों तुम राकेश की? तुमने वासवानी से शादी की क्या बात मेरी समझ में आती है, लेकिन जेके जैसे बदमाश आदमी की कृपा बनकर रहना
राकेश की जिंदगी बर्बाद कर दोगी तुम, और ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या करोगे? मैं सोने मर सकता हूँ, छाती में मर सकता हूँ, समझे? जी कहिए। संदेश कुमार घर पे हैं? जी नहीं, वो बाजार गए। कब तक लौटेंगे? कहकर गए थे एक घंटे में लौट जाऊंगा, अभी आते ही होंगे, बस एक घंटा तो हो चुका है। देखिए हमें उनसे जरूरी काम है, क्या हम उनका इंतजार यहाँ कर सकते हैं? क्यों नहीं, आइए। थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता। लगता है इस मिस्टर संदेश कुमार को अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार है। कमीनी, बच्चालन, आवारा, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। कौन है आप लोग, क्या करना है यहाँ पर आप लोग? मैं एडवोकेट विजय सक्सेना हूँ, और ये मेरी साथी रश्मि है, हम आपसे मिलने आए। मुझसे क्यों मिलने आया? मुझे कोई चोर और चक्कर समझ रखा है? आप बहुत गुस्से में मालूम होते हैं मिस्टर संदेश। आपका मतलब, अपने आने का मकसद बताइए। रिलैक्स मिस्टर संदेश, रिलैक्स। दरअसल हमने मिस्टर सुखराम वासवानी का केस रीओपन करवाया है। तो मैं क्या करूं? उसी सिलसिले में हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। देखिए साहब, फिजूल की बातों के लिए ना तो मेरे पास वक्त है, और ना ही मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी है। क्यों रीओपन कराया अपने केस? क्या मिलेगा आप लोगों को इस केस से? इस केस में एक आदमी को फांसी की सजा दी गई है, और हमारा ख्याल है कि यह फांसी की सजा गलत आदमी को दी जा रही है। सजा गलत आदमी को दी जा रही है, मगर मर्डर तो गलत आदमी का नहीं हुआ। जी, उसे तो मरना ही था। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बीवी ने मुझे छोड़कर उस बुड्ढे से इसलिए शादी की ताकि उसकी दौलत हथिया सके, फरना उस बुड्ढे में रखा ही क्या है? संदेश जी, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर ये केस बहुत सीरियस है, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपका तलाक कब और कैसे हुआ? मैं तो समझता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो एक गरीब घर की लड़की थी, दौलत देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती थी। उसे देने के लिए मेरे पास अच्छा खासा पैसा था, लेकिन नहीं, उसे तो हीरे, जवाहरात, बंगले, गाड़ियां, ये सब चाहिए था। शादी के बाद उसने मेरे सर्कल में बड़े बड़े लोगों पर डोरे डालनी शुरू कर दी है, और इसी जाल में बुड्ढा वासवानी फंस गया। आपने उन्हें समझाया नहीं? बहुत समझाया उसे। इस बीच हमारा लड़का राकेश भी आ चुका था, लेकिन उसकी हरकतों में कोई कमी नहीं आई। मिस्टर वासवानी से वर्षा की मुलाकात कैसे हुई? हम जिस क्लब के मेंबर थे, वासवानी उसका पेट्रन था, उसकी बीवी मर चुकी थी, वर्षा ने उसकी हमदर्दियां जीत ली और उसका दीवाना हो गया। एक दिन वर्षा मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई, और वासवानी के कहने पर उसने मुझसे तलाक ले लिया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कोई दिन उसे भी धोखा देंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है मिस्टर संदेश कि मिस्टर वासवानी के मर्डर में वर्षा का भी हाथ हो सकता है? हो सकता है? आप भी क्या बच्चों की तरह बातें करते हैं? वासवानी का मर्डर या तो उसने खुद किया है, और या फिर उसके आशिक माफिया डॉन जेके के हाथों करवाया है। पहले मैं सोचता था कि वासवानी के मर्डर के बाद या तो वो सुधर जाएगी और मेरे पास चली आएगी, लेकिन नहीं, वो कमबख्त जेके की बाहों में चली गई। मिस्टर संदेश, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। आप इतने गुस्सावर हैं, वासवानी से इतने नाराज हैं, तो ये कत्ल आप भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं भी कर सकता था, बल्कि सच पूछिए तो जी चाहता उस जेके के बच्चों को अपने हाथों से खत्म कर दूं। जरा संभल कर संदेश साहब, संभल कर, क्योंकि अभी अभी आपने जो कहा है यही बात आपको अदालत तक ले जा सकती है। देखिए, ना तो मैं आपसे डरता हूं और ना ही मैं आपकी अदालत से डरता हूं, और अगर आप साबित कर सकते हैं तो साबित करके दिखाइए। लटका दीजिए मुझे फांसी पर, चले जाओ यहां से, जाइए यहां से।
डराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं दोस्त बनकर मैं जानता हूं एक मर्तबा मेरी वजह से तुम्हें काफी नुकसान पहुंच चुका है, आज उस नुकसान का मुआवजा चुकाना है। बोलो कितनी रकम लोगे? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो जी, पहली मत पूछो। बात बहुत मामूली है विजय, सुखराम वासवानी केस से अपना हाथ खींच लो। अब मैं समझा तुम यहां दोस्त बनकर क्यों आए। वासवानी मर्डर केस से तुम्हारी दिलचस्पी ये बात साफ जाहिर करती है कि तुम्हारा इस केस से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। इस शहर में जो भी केस होता है ना, उसमें मेरी दिलचस्पी और ताल्लुक जरूर होता है। खैर छोड़ो इस बात को, ये बात बताओ सुखराम वासवानी केस से अपना हाथ खींचने का कितना पैसा लोगे? और अगर मैं ये कहूं जेके कि मैं इस केस को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा तो फिर अपना अंजाम भी सोच कर रखो विजय, और यह सोचना कोई मुश्किल नहीं होगा। शहर के लोगों से या खुद पुलिस वालों से पूछ लो कि जेके के ऑफर को ठुकराने का अंजाम क्या होता है। तो मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी जबान में इसे धमकी नहीं मशवरा कहते हैं। यूं तो बिना जरूरत के मैं मच्छर को भी नहीं मारता, लेकिन अगर मुझे काटने की कोशिश करे तो चुटकी में मसल देता हूं। जेके, जिस वक्त ये केस मैंने अपने हाथ में लिया था उसी वक्त मैंने ये फैसला किया था कि मुझे खतरों की परवाह नहीं करना और मैं अपने फैसलों पर कायम हूं। सोच लो वकील साहब, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जाता। यह सौदा तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है। ठीक है, मैं जब भी सौदा कर लेता हूं तो कीमत की परवाह नहीं करता। जा रहा हूं मैं। अच्छे खिलाड़ी हो वकील साहब, लेकिन इस खेल का अंजाम मैं लिखूंगा। हेलो, मैं जेके बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जेके साहब बोलिए, मेरे लायक कोई खिदमत? खिदमत नहीं, तुम्हारे लिए वार्निंग है। क्यों जेके साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने नहीं, तुम्हारा भाई कर रहा है। आपका मतलब विजय? हाँ वही, उससे कहो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश ना करे। जेके साहब लेकिन वो कर क्या रहा है? वो सुखराम वासवानी मर्डर केस को रीओपन करा रहा है। उसे मना करो कि ये खतरनाक खेल न खेले, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। जेके साहब, लेकिन मैं बरसों पहले विजय से नाता तोड़ चुका हूं। वो सब मैं नहीं जानता, आखिर वो भाई है तुम्हारा, तुम दबाव डालोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। जेके साहब, आप कहते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, मैं आज ही उससे बात करता हूं। गुड। और यहां भैया मैं आपको बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं, बल्कि मैं तो रश्मि से कल ही कह रहा था कि मैं आपके पास आऊंगा आशीर्वाद लेने के लिए। किस चीज के लिए आशीर्वाद? भैया, मुझे अपने करियर का पहला केस मिला है, और वो भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तौर पर। मैं आपको बता नहीं सकता ये केस मेरे लिए कितना लकी है, क्योंकि इसी की वजह से मैं आपको फिर से मिल सका हूं भैया। हाँ विजय, मैं भी तुमसे इसी केस के सिलसिले में बात करने आया हूं। हाँ हाँ भैया, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। विजय, क्या तुम वाकई मुझे अपना समझते हो? क्या बात कर रहे हैं भैया, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और है ही कौन? तो मेरी एक बात मानोगे? जी विजय, तुम ये केस छोड़ दो। केस छोड़ दो? क्यों? देखो विजय, चंद पावरफुल और ऊंचे लोग ये नहीं चाहते कि सुखराम वासवानी का केस रीओपन किया जाए,
तुम्हारा कैरियर अभी भी शुरू हुआ है, तुम्हें तुम्हें दूसरे केस बहुत मिल जाएंगे। समझ गया भैया, ये ऊंचे और पावरफुल लोग जैकी के अलावा कोई नहीं हो सकते। मैं ठीक कह रहा हूं ना? चलो यूं ही सही, लेकिन विजय, जैकी एक बहुत खतरनाक आदमी है, क्यों खामखा उससे टकरा के अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? और वैसे भी तुम्हें इस केस से क्या मिल जाएगा, लाख, दो लाख, चार लाख? विजय, मैं तुम्हें इसे चार गुना रकम देने को तैयार हूं, बस तुम ये केस छोड़ दो। भैया, आप मुझे खरीदने आए? आप? विजय, तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें खरीदने नहीं आया, तुम्हें समझाने आया हूं। वैसे भी ले देखे, तुम्हारे सिवा मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं। विजय, जेके एक बहुत खतरनाक आदमी है। भैया, अगर मेरी मौत जेके के हाथ लिखी आए तो उसे ना आप, ना माई, ना खुद जेके रोक सकता है। उस जेके से जाके कह दीजिए कि मैंने धमकियों की परवाह करनी छोड़ दिया है, सुखराम वासवानी का केस खुल के रहेगा। भैया, विजय, अगर तुम ये केस छोड़ दो तो हम दोनों फिर से मिल सकते हैं। आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, हम सच्चाई और ईमानदारी की उस राह पर चल रहे थे जो डैडी ने हमें दिखा दी, लेकिन अचानक क्यों वहां भटक गए? मैं आज भी उसी राह पर चल रहा हूं और आपका इंतजार कर रहा हूं। भैया, अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको वही मिलूंगा, आज भी और कल भी। मगर विजय, बस भैया, बस। विजय, हजार कोशिश के बावजूद मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जेके का इस केस में क्या इंटरेस्ट है। सर, मेरे ख्याल से तो वो वर्षा को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है सर कि सबके सब इस केस को रिओपन नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी एंगल से ये सबके सब इसमें इन्वॉल्व है। और तुम्हारा भाई, वो इसमें क्यों इंटरेस्टेड है? सर, मुझे लगता है जैकि ने उसे धमकी दे रखी। एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि वर्षा, जेके, ब्रिजेश, मुकंदीलाल, इनमें से किसको पिन पॉइंट किया जाए और बात शुरू कहां से की जाए। देखो रश्मि, सबसे पहले हमें 7 साल पुराने FIR और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जांच कर लेनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सर, जरा सोचकर अच्छी तरह याद करके बताइए कि वासवानी मर्डर केस किस पुलिस इंस्पेक्टर ने हैंडल किया था? असिस्टेंट इंस्पेक्टर विनोद पांडे, और आजकल वो सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर लगा हुआ है। सर, मेरे ख्याल में उनसे मिलना चाहिए, हो सकता है कोई ना कोई क्लू मिल जाए, बशर्ते उन्हें सारी बातें याद हो। लेट्स ट्राई। यस। ये फाइल मैंने अच्छी तरह चेक कर ली है, इस मुजरिम को कल कोर्ट में हाजिर करो। यस सर। सर, वेलकम। यस सर, मेरा नाम विजय सक्सेना है और मैं एक एडवोकेट हूं, वही एडवोकेट जिसने वासवानी मर्डर केस को रिओपन करवाया है। मुझे पता चला है कि यह केस आप ही ने हैंडल किया था, और आपको अगर परेशानी ना हो तो इसी केस के बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल्स जानना चाहता हूं, अगर वो डिटेल्स आपको याद हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे उस केस की एक एक बात याद है, वो केस तो मेरी जिंदगी का एक यादगार केस था। अच्छा, बैठिए। थैंक यू। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कत्ल का वक्त क्या लिखा था? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वासवानी मर्डर केस, वासवानी, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कत्ल का वक्त 1:00 और 2:00 के दरमियान लिखा हुआ है। और कोई इन्फॉर्मेशन? वासवानी के पेट में खाना ज्यों का त्यों था,
इसलिए कत्ल और डिनर के बीच में ज्यादा फासला नहीं था। एक बात और बताइए, कत्ल की इत्तला आपको किसने दी थी? जेके ने। जेके? जेके यानी कि वो माफिया डॉन? जी हाँ, वही माफिया डॉन जो वासवानी का पड़ोसी था। इंस्पेक्टर साहब, जब जेके ने आपको फोन पर इत्तला दी उस वक्त क्या वजह थी? मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त रात के 2:30 बजे हुए थे। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं सीपी नगर से बोल रहा हूँ। यहाँ F109 बंगले में सुखराम वासवानी का खून हो गया है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जेके बोल रहा हूँ। जेके, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इन लोगों का पड़ोसी हूँ, मिसेज वासवानी ने फोन किया तो मैं आ गया। ओके, हम अभी आते हैं। देखो, खबरदार वहाँ से कोई चीज नहीं हिलनी चाहिए। राइट। एक 109 नंबर बंगला यही है? हाँ साहब, यही है। वाधवान साहब यही रहते हैं? हाँ जी, यही रहते हैं। आज यहाँ कुछ हुआ है क्या? हाँ साहब, आज पार्टी हुई थी। और कुछ? और तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? कम ऑन फास्ट। पुलिस, भाग अशोक, भाग, जल्दी भाग। मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी, क्या हुआ? कातिल पकड़े गए। पकड़े गए? वेरी गुड। मिसेज वासवानी कहाँ हैं? वो अंदर कमरे में आराम करेंगे। क्या मतलब? देखिए, उन्हें बहुत सख्त चोटें आई हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने कातिलों से मुकाबला करने की कोशिश की थी। आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? मैंने पहले आपको इत्तला देना मुनासिब समझा। आई सी। मिस्टर जेके, आप यहाँ कितने बजे पहुंचे थे? बस आपको टेलीफोन करने से जरा पहले मिसेज वासवानी ने मुझे फोन करके बुलाया और मैं फौरन चला आया। चोट लगी है। आओ, कम 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 कम। और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन कर दिया। आई सी। तुम्हारा काम हो गया? यस सर। आप आइए, इनके फिंगरप्रिंट्स चेक कीजिए। यस सर। राम सिंह। यस सर। तुम बाहर जाकर वॉचमैन की डायरी चेक करो और पता करो आज कौन कब आया था। ओके सर। आप यहाँ पर? जी, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। कितने साल से यहाँ काम कर रही? 15 साल से। आप बताएंगे कि आज रात को आपके यहाँ क्या हुआ था? आज रात हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी थी, रात बड़ी हो गई थी इसीलिए मैं जाके सो गई। इस बीच में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब जेके साहब आए उन्होंने मुझे जगाया और बोला कि साहब का खून हो गया है और मेम साहब को बहुत चोटें आई। मैं उन्हीं की देखरेख कर रही थी। इस समय आपकी मेम साहब कहाँ हैं?
जी वो सो रही हैं। अगर आप बोले तो मैं जगा दूं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हवलदार, इनका बयान नोट करो। ओके सर। आप अपना बयान फिर से दोहराइए। शाम से ड्यूटी पर तुम ही हो? जी नहीं, वासु था, वो अपनी ड्यूटी खत्म करके चला गया। चला गया? डायरी बताओ। ये डायरी मेरी है। उसकी डायरी बताओ। वो अपनी डायरी साथ में लेकर चला गया, क्योंकि उसको कंपनी में दिखानी पड़ती है। हाँ तो मिस्टर जेके, आप इंस्पेक्टर साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज रात इनकी वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बड़ी पार्टी थी, ये सब क्या हो गया? मिस्टर जेके, क्या आप बताएंगे कि इस घर में मिस्टर एंड मिसेज वासवानी और उनकी नौकरानी के अलावा भी कोई रहता है? जी हाँ सर, उनका बच्चा अपने कमरे में सो रहा है, मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 6-7 साल। सर, चौकीदार तो चला गया, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरा चौकीदार आया है। उसकी डायरी चेक की? सर, वो डायरी तो अपने साथ ले गया, क्योंकि ड्यूटी पर आने से पहले चौकीदार को अपनी डायरी कंपनी को दिखानी पड़ती है। कोई बात नहीं, डायरी कल चेक कर लेंगे। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। ओके जेके साहब, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका बयान लेना पड़ेगा। राइट। और एम्बुलेंस आई और डेड बॉडी को लेके। इंस्पेक्टर तिवारी, तो फिर आपने दूसरे दिन उस चौकीदार की डायरी चेक की? कहां साहब, जब हमारा सिपाही उस सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिस में पहुंचा तो सुल्तान सिंह नौकरी छोड़ के जा चुका था। उसकी डायरी से भी कुछ नहीं पता चला। उसकी डायरी में काफी कटपिट पाई गई थी। आपको शक तो नहीं? शक तो हुआ था, लेकिन जब मिसेज वासवानी और उसके नौकर ने चश्मदीद गवाही दे दी, कातिल की शिनाख्त कर ली, तो फिर इस केस में कोई दम नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस फाइल की एक कॉपी मिल सकती है? श्योर, मैं कॉपी कल भिजवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आगे छानबीन के दौरान अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको एक बार जरूर, मैं हर समय हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।